शायद मेरी तरह भी आप लोगों ने आज व्हाट्सएप का स्टेटस देखा होगा, जिसमें व्हाट्सएप ने चार स्टेटस डाले हैं, जिसमें व्हाट्सएप ने बताया है कि हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। आखिरकार ये स्टेटस डालने की व्हाट्सएप को ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि व्हाट्सएप को अपना स्टेटस डालना पड़ा? आखिरकार क्यों व्हाट्सएप ने अखबारों में फ्रंट पेज पर अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचाई? क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? बात यह है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने से रिलेटेड नोटिफिकेशन सभी को भेजी है, लेकिन कईयों को अभी ये नोटिफिकेशन नहीं पहुँची होगी। जब ये नोटिफिकेशन आपकी व्हाट्सएप पर आ जाएगी तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा और आपको वहाँ पर एग्री पर ओके करना पड़ेगा। एग्री पर क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को मानते हैं। अगर कोई इसकी प्राइवेसी को नहीं मानता तो ऊपर सबसे राइट साइड में एक कांटा बना है, यानी कि क्रॉस बना है, वहाँ पर क्लिक कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप ने एक डेडलाइन दी थी जिसके अनुसार 8 फरवरी से पहले आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा। लेकिन कल ही न्यूज़ में आया कि व्हाट्सएप ने अपनी जो ये पॉलिसी है इसको एग्री करने की डेट बढ़ा दी है, यानी कि अगली डेट 15 मई से पहले आप चाहें तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, आपको सही लगे तो आप एग्री करें, या 15 मई तक आप रुक सकते हैं। व्हाट्सएप ने यह भी क्लियर कर दिया है कि या तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या व्हाट्सएप छोड़नी पड़ेगी, यानी कि आपको या तो इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या व्हाट्सएप को चलाना बंद करना पड़ेगा, यानी कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी आखिर है क्या? साधारण शब्दों में बताया जाए तो प्राइवेसी पॉलिसी में बताया जाता है कि ऐप आपकी कौन कौन सी जानकारी लेता है और कौन सी जानकारी सुरक्षित रखता है। इसमें बहुत सारी अन्य बातें भी लिखी होती हैं। यदि आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ओपन अप करना पड़ेगा। इसमें ऊपर ऐसे 3 बिंदु आएंगे जिन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें जाना है आपको सबसे नीचे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरह के ऑप्शन में हेल्प में जाना पड़ेगा। हेल्प के बाद आपको दिख जाएंगे टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, जिनके ऊपर क्लिक करके आप इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन ठहरिए, आपके फ़ोन में तो इतनी सारी ऐप्स हैं, क्या आपने कभी इन ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ा है? क्यों, टाइम नहीं होता क्या? ऐप डाउनलोड हुई नहीं कि हम उसे खोल देते हैं, उसके बाद ऐप जो भी परमिशन मांगती है हम सीधा अलाउ कर देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की परमिशन हो, चाहे आपका नेम हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, ऑडियो हो, SMS हो, हम सीधा अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी लगी हुई है, हमें उस ऐप को चलाना है। हम हमेशा अलाउ पर क्लिक करते हैं, जो कि हमारी बहुत ही गंदी आदत है। इस आदत को हमें सुधारना चाहिए। चलो हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में एक लाइन लिखी हुई आती है, इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, यानी कि व्हाट्सएप क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे लेता है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है इन्फॉर्मेशन वी प्रोवाइड, यानी कि हम जो व्हाट्सएप चलाते हैं हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं। सबसे पहले हम उनको देते हैं फ़ोन नंबर, हमारे मोबाइल की एड्रेस बुक यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल फीचर एंड स्टेटस मैसेज। और इसी में दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप ने लिखा है कि हम उन्हें अपने मैसेज देते हैं, यानी कि जो हम मैसेज लिख के भेजते हैं वो व्हाट्सएप पर ही जाते हैं, जैसे कि हमारी चैट, फ़ोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज, फाइल और अदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे लोकेशन की इन्फॉर्मेशन है। और अगर किन्हीं कारणवश हमारे द्वारा भेजा गया मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता है तो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर में 30 दिन रहेगा, यानी कि 31वें दिन वो मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप हमसे मैसेज लेता है और अपने सर्वर पर 30 दिनों तक रखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि व्हाट्सएप हमारे मैसेज पढ़ सकता है। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा नमस्ते, और दूसरी तरफ जब वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पर पहुंचता है तो वो एक कोड में तब्दील हो जाता है और इसी कोड के रूप में वो मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। जैसे ही मैसेज दूसरे व्यक्ति पर पहुंचता है कोड डिकोड हो जाता है, यानी कोड खुल जाता है और दूसरे व्यक्ति को आपका मैसेज मिल जाता है। और इस कोडिंग डिकोडिंग में काम सिर्फ मशीन का है, यानी कि जो सर्वर है वही ये काम करता है, इसलिए व्हाट्सएप वाले भी आपके इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब हम व्हाट्सएप से किसी बिजनेस अकाउंट से चैट करते हैं
तो वो बिजनेस अकाउंट वाला आपकी चैट को लीक कर सकता है, यानी कि जो भी चैट आप बिजनेस अकाउंट के साथ कर सकते हैं वो चैट लीक हो सकती है, क्योंकि वो बिजनेस वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं या उस ग्रुप में कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है, अननोन व्यक्ति आ जाता है, तो वो भी आपके ग्रुप में भेजे गए मैसेज को लीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास आपके सारे मैसेज हैं और ग्रुप में अन्य व्यक्तियों के नंबर भी चुरा सकता है। आप में से बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि बहुत सारे लोगों की व्हाट्सएप चैट वापस कैसे आ जाती है। तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप चैट का बैकअप गूगल ड्राइव पर रखा होता है। जब वो बैकअप गूगल ड्राइव पर चला जाता है तो इसका मतलब है गूगल ड्राइव आपकी चैट को पढ़ सकता है। व्हाट्सएप प्राइवेसी में ही एक और चीज़ आती है, ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जिसमें व्हाट्सएप ने क्लियरली मेंशन किया है कि वो डिवाइस एंड कनेक्शन की इंफॉर्मेशन लेगा, जिसमें शामिल है मोबाइल का नाम यानी कि हार्डवेयर मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन और मोबाइल के आईपी एड्रेस और मोबाइल की नेटवर्क इंफॉर्मेशन और फ़ोन नंबर। और अगर आप अपनी लोकेशन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आपकी मोबाइल की इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप तक पहुँचेगी। और इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी व्हाट्सएप पेमेंट की हिस्ट्री भी रखी जाएगी, यानी कि व्हाट्सएप पेमेंट से अगर कोई भी आप पे करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी व्हाट्सएप कलेक्ट कर लेगा। ये जितनी भी प्राइवेसी पॉलिसी हमने पढ़ी ये सारी आम लगती हैं, यानी कि नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन फिर लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर आई? लोगों को प्रॉब्लम आई कि व्हाट्सएप ने अपनी ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसमें एक लाइन ऐड की है कि ये फेसबुक के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप हमसे लेगा वो इसको फेसबुक के साथ शेयर करेगा। लेकिन डाटा की सेफ्टी के लिए फेसबुक थोड़ा सा बदनाम है, क्योंकि फेसबुक से कुछ समय पहले ही कुछ डाटा चोरी हो चुका है, यानी कि डाटा लीक हो चुका है, जिसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। बस इसी बात से लोग परेशान हैं। ज़रा सोचिए इतना हरा डाटा लीक होने पर क्या हो जाएगा? आप कब खाते हैं, आप कब सोते हैं, या आपके अकाउंट से पता चल जाएगा कि आपने कितना लोन लिया हुआ है और कौन सी गाड़ी ली है और आप किस वक्त कौन सा काम करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं, आप अपने पैसों को कहाँ पर लगाते हैं और आपको कहाँ से पैसा आता है, आपके बैंक की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके फ़ोटोज़, वीडियो इत्यादि, इतनी सारी सेंसिटिव चीज़ें यानी सेंसिटिव डाटा अगर लीक हो जाता है और बाई चांस फेसबुक हैक हो जाती है, यानी कि फेसबुक से वो डाटा चोरी हो जाता है, हैकर्स आपके डाटा का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी फेक आईडी बना सकता है जिसमें आपके ही फ़ोटोज़, वीडियोस सभी कुछ होगा, तो आपके फ्रेंड्स को लगेगा कि आपकी ही आईडी है, आपके फ्रेंड्स आपकी आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद हैकर्स आपकी फेक आईडी से आपके फ्रेंड्स से पैसे मांगने लग जाएगा। आपके फ्रेंड्स भी समझेंगे कि ये आपकी आईडी है और गूगल पे या किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आपको वो पैसे दे देगा। तो दोस्त को अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा, आपकी इज्जत चली जाएगी। इस सेंसिटिव डाटा लीक होने के कारण बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में व्हाट्सएप की ये डाटा पॉलिसी लागू नहीं होगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में डाटा पॉलिसी के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं। जब आप फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं फेसबुक अपना डाटा अपनी अन्य कंपनियों के साथ भी साझा करता है। इन सारी बातों के बावजूद आप व्हाट्सएप को चला सकते हैं। व्हाट्सएप को सेफ्टी से चलाने के लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर डिलीट करनी पड़ेगी, आपका नेम कोई फेक नेम डालना पड़ेगा और अबाउट के सेक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, फेक डाल सकते हैं। व्हाट्सएप जो अन्य डाटा लेती है जैसे हार्डवेयर मॉडल, टाइम जोन, सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी लेवल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ें नहीं हैं, तो इनसे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अपनी लोकेशन को हाइड करने के लिए यानी कि आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, और जिनका व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट है उनके साथ चैट करना बंद कर सकते हैं या उनको मैसेज करना बंद कर सकते हैं, या आप भी अन्य लोगों की तरह व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल ऐप भी व्हाट्सएप की तरह मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है जिसे आप विंडोज़, iOS, मैक, एंड्रॉयड डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि ये आपसे कोई भी पैसा कमाना नहीं चाहती। ये सब देखकर आपके मन में ज़रूर ख्याल आया होगा कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में इतना ज़्यादा बदलाव क्यों चाहती है। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। आप हमारे चैनल रिवल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए।